हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज लिटिल वर्ल्ड। आज हम लोग देखेंगे कि राइस फ्लावर से हम हमारी स्किन को ब्राइट कैसे कर सकते हैं। एस्पेक्ट नंबर वन है जो कि आपकी स्किन को ब्राइट और सॉफ्ट करेगा। इसमें मैंने 1 चम्मच राइस फ्लावर लिया है और 3 चम्मच दूध के लिए हैं। इसे अच्छे से मिक्स करके आप एक पेस्ट बना लीजिए और उस पेस्ट को अपने फेस पर अच्छे से लगाइए और 15 मिनट्स तक आपको इसे अपने फेस पर रखना है। उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। ये वाला फेस पैक मोस्टली नॉर्मल स्किन या फिर ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। वॉश करने के बाद आप अपनी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ पाएंगे। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसे एवरी अल्टरनेट डेज पर आप अपने फेस पर लगाइए। पैक नंबर 2 स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए है, क्योंकि इसके अंदर हमने ऑलिव ऑयल और योगर्ट का इस्तेमाल किया है। ये दोनों ही चीज़ें हमारे स्किन को मॉइस्चराइज रखेंगी और हाइड्रेटेड रखेंगी। राइस फ्लावर हमारे स्किन टोन को ब्राइट करेगा और टर्मरिक से हमारा स्किन टोन लाइट होगा। आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आप बिल्कुल गोरे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो आपका नेचुरल स्किन टोन है वो वैसा ही रहेगा। हाँ, उसे लाइटन करने में ये इन्ग्रीडियंट्स हेल्प करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच राइस फ्लावर लिया है, 1 चम्मच दही डाला है, 1 पिंच हमने हल्दी ली है और उसमें 1 चम्मच मैंने ऑलिव ऑयल मिक्स किया है। आप चाहें तो बादाम का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और अगर आपको थिक लगता है पेस्ट तो इसमें थोड़ा सा कर्ड आप और ऐड कर सकते हैं। इसे बहुत अच्छे से आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है। ये ईजीली अप्लाई नहीं होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि इसमें ऑयल है तो वो स्लिप होता है, बट आप बाद में करते जाएंगे तो ये अच्छे से आपके फेस पर लगेगा और ये बहुत जल्दी ड्राई भी नहीं होगा, इसके अंदर ऑयल है इस वजह से। 15 मिनट्स तक आप इसे रखिए अपने फेस पर और इसे हल्का हल्का रब करते हुए वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप अपने स्किन को बहुत सॉफ्ट पाएंगे अगेन, लेकिन आप इसे हर एक दिन छोड़कर यूज़ कीजिए लंबे टाइम तक, तभी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये फेस पैक्स को आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अपने फेस पर यूज़ कीजिए और कोई भी मिराकल एक्सपेक्ट मत कीजिए। प्लीज़ ऐसा नहीं होगा कि फ़र्स्ट टाइम अप्लाई करने से ही आप बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। आपका जो नेचुरल स्किन टोन आपको मिला हुआ है वो ही रहेगा, लेकिन उसे लाइट और ब्राइट करने में हेल्प करेगा। आपके नेचुरल स्किन टोन को ही लाइट करेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। सो ऐसे क्लेम्स पर भरोसा करिए भी मत। जो भी रेमेडीज़ मैं आपको बता रही हूँ या कहीं से भी अगर आप कुछ फॉलो करते हैं, उसमें आप कंसिस्टेंट रहिए, उसे रेगुलरली यूज़ करते रहिए, देखिए कि आपको सूट कर रहा है। अगर सूट करता है तो आप उसे रेगुलर यूज़ करिए, आपको ज़रूर फ़र्क नज़र आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।